तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, आज बात करेंगे हाल ही में रिलीज 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट और एक लंबे टाइम से सिनेमाघरों में राज कर रही फिल्म जरा हटके जरा बचके के बारे में। कैसे दोनों फिल्में आदिपुरुष जैसे दिग्गज फिल्म को टक्कर दे रही हैं रोज थिएटर में, साथ ही एक मोटी अच्छी कमाई करने में भी सफल हो रही है। तो आज जानेंगे कि दोनों में से ज्यादा कमाई कौन कर रही है, पहले दिन किसने कितना कमाया, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं और कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं दोनों फिल्मों को, कौन सी फिल्म हिट है कौन सी फ्लॉप, सब जानेंगे उस कुछ देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी रोमांटिक कॉमेडी और हॉरर मूवी को काफी पसंद करते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म के बारे में। भाई साहब, ये फिल्म थिएटर में डराने का काम लगातार कर रही है और लोग जितना डर रहे हैं ये उतना ही ज्यादा बिजनेस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 1920 इस मूवी सीरीज ने जबरदस्त छाप छोड़ी है जनता में, क्योंकि 2008 में जब इसका फर्स्ट पार्ट आया था लोग दीवाने हो गए थे, क्योंकि इंडियन हॉरर मूवी में डराने का जो लेवल होता है वो जानलेवा था इस मूवी में। सेम काम हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा भट्ट के डायरेक्शन में लगभग 10 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट थिएटर में एवरेज ग्रोथ के साथ लगातार एक अच्छी कमाई अपने खाते में रखते जा रही है। जी हां दोस्तों, आज ये फिल्म अपना 5 दिन कंप्लीट कर रही है और पहले 3 दिन में ही अपना बजट रिकवर करके पूरी दुनिया से एक मोटी कमाई अपने खाते में रख रही है। जी हां दोस्तों, मूवी को पब्लिक की तरफ से एवरेज रिव्यू और रिएक्शन मिल रहे हैं। किसी को मूवी बहुत पसंद आ रही है तो लेकिन किसी के दिल में ये राज नहीं कर पा रही है। वो इसलिए भी क्योंकि हॉरर पार्ट ऑफ दिस मूवी से जो पहले यूज होता था वो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। लाइक बेड के नीचे से टांगे पकड़ना, गंदा चेहरा का दिखाना, एक BGM साउंड इफेक्ट करके डर का माहौल क्रिएट करना, जी हाँ दोस्तों ये सब हम इंडिया की हर एक फिल्म में देख ही लेते हैं कहीं ना कहीं। कुछ नया तो कुछ नहीं है, बस चेहरे बदल दिए हैं, बाकी डराने का माहौल वैसा ही क्रिएट करा है जैसा पहले की फिल्मों में हम पहले ही देख चुके हैं। मूवी देखते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ये फिल्म कहीं ना कहीं देख रखी है, क्योंकि सेम चीज आप एविल डेड जैसी मूवी सीरीज में भी देखते हैं, राज जैसी मूवी सीरीज में भी सेम चीज देखते हैं, हॉन्टेड जैसी फिल्मों में भी आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो नया आपको फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा इतना। तो बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों हिंदी सहित इस बार इस फिल्म को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज करा गया है और हिंदी से अपने पहले दिन एक एवरेज ओपनिंग लेते हुए फिल्म में लगभग 1,48,00,000 तक का कलेक्शन अपने खाते में रखा था पहले दिन। ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यू मिले थे जिससे कि सेकंड डे में कमाई का लेवल बढ़ते हुए नजर आया और सेकंड डे में हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 1,85,00,000 का हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऑडियंस मूवी को काफी इंजॉय कर रही है। बात करें डे 3 में कैसी ग्रोथ रही फिल्म की, दोस्तों हिंदी में आंकड़ा काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आया। लगभग हिंदी कलेक्शन से तीसरे दिन में 2,10,00,000 रुपए के आसपास कमाई अपने खाते में रखते हुए नजर आई थी फिल्म। इसी के साथ पहले 3 दिन का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 5,42,00,000 रुपए रहा था। साथ ही तमिल तेलुगु में भी अच्छा ग्रोथ करते हुए नजर आई, मूवी ने अच्छी कमाई करी थी साउथ से भी और पहले 3 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 7.5 करोड़ के आंकड़े में रहा है। इसी के साथ पूरी दुनिया से लगभग 9 करोड़ के आसपास कमाई अपने खाते में रखते हुए नजर आई थी पहले 3 ही दिनों में। दोस्तों बिलो एवरेज के साथ ग्रोथ करते हुए ये फिल्म हिट होते नजर आ रही है और अपने चौथे दिन यानी कल को 1,05,00,000 की कमाई खाते में रखते हुए आज अपने 5वें दिन में एंड ऑफ द डे तक लगभग 1,10,00,000 का आंकड़ा चुराने में सफल रही है फिल्म। जहां एक तरफ प्रभास जैसे दिग्गज स्टार की फिल्म आदिपुरुष चल रही हो और विकी कौशल की जरा हटके जरा बचके चल रही हो, बावजूद इसके मूवी हिट होने में कामयाब रही है और लागत 10 करोड़ का रिकवरी करते नजर आ रही है। जी दोस्तों, आज पूरी दुनिया से लगभग 13 करोड़ की कमाई अपने खाते में रख लेगी मूवी एंड ऑफ द डे तक। बात करें दूसरी फिल्म यानी जरा हटके जरा बचके के बारे में, दोस्तों एक फैमिली ड्रामा रोमांटिक लव स्टोरी कॉमेडी से भरपूर फिल्म जो आज अपने चौथे हफ्ते में भी स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां दोस्तों, विकी कौशल और सारा अली खान के मेन लीड में बनने वाली फुल ऑफ मसालेदार ड्रामा मूवी जरा हटके जरा बचके लोगों के दिलों में जबरदस्त राज कर रही है। लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं मूवी को और विकी और सारा की ये जोड़ी लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। जी हां दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में लगभग 50 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके जॉइंट मूवी आदिपुरुष के नाक में दम कर दिया था और काफी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच के सफल भी हुई है बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन के मामले में। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों पब्लिक की तरफ से फेवरेबल रिव्यू मिलने की वजह से अपने फर्स्ट वीकेंड में ही 23 करोड़ तक की कमाई करने में सफल रही है फिल्म। हालांकि मूवी ने एवरेज ओपनिंग के साथ हर दिन एवरेज कमाई के साथ ग्रो किया था जो एक बार के लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि यह फिल्म कहीं ना कहीं पिट सकती है, लेकिन अपने पहले ही वीक में लगभग 35 करोड़ की मोटी कमाई अपने खाते में रखते हुए इस फिल्म ने जबरदस्त कमबैक करा। जी दोस्तों, पब्लिक की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलते हुए अपने दूसरे हफ्ते में 25 करोड़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते नजर आई थी फिल्म। इसी के साथ तीसरे हफ्ते में भी अच्छी ग्रोथ करते हुए पहले 3 हफ्तों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 72 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया था
और अपने 3 ही हफ्तों में सुपर डुपर हिट का टैग लेकर मूवी अपनी लागत 50 करोड़ निकालने में कामयाब रही। और चौथे हफ्ते की शुरुआत भी क्या जबरदस्त स्ट्रॉन्ग नोट के साथ कर रहे हैं, मान गए। साथ ही आदिपुरुष को ना कि सिर्फ टक्कर दे रही है बल्कि सिनेमाघरों से खदेड़ने में भी सफल हो रही है। और अपने चौथे हफ्ते की शुरुआत में अपने पहले दिन 1 करोड़ 35 लाख की कमाई करी, दूसरे दिन 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक कमाए थे अपने चौथे हफ्ते में, और 24वें दिन यानी संडे को 3 करोड़ का आंकड़ा टच करने में कामयाब रही फिल्म। वहीं कल यानी अपने 25वें दिन भी 1 करोड़ का आंकड़ा टच करते हुए फिल्म 80 करोड़ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में सफल रही अपने पहले 25 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। वहीं आज यानी अपनी 26वें दिन में अच्छी ग्रोथ करते नजर फिल्म और 1 करोड़ का आंकड़े को क्रॉस करते हुए एंड ऑफ द डे तक लगभग 81 करोड़ का टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रख लेगी अपने खाते में। और लक्ष्मण उतेकर की एक और जबरदस्त हिट मूवी में अपना नाम दर्ज कर लेगी। इसी के साथ पूरी दुनिया से लगभग 105 करोड़ का टोटल कलेक्शन भी ये फिल्म कर चुकी होगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है और कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी सुपर हिट है? साथ ही अगर आपने दोनों ही फिल्मों को देख लिया है तो आपको बेस्ट मूवी कौन सी लगी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।